नमस्कार, डू इट योर सेल्फ इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये छोटा सा शेल्फ कैसे किया है। छोटे छोटे बक्सों से मैंने ये शेल्फ तैयार किया है और इसमें आप जैसे कि आप देख सकते हैं नेल पेंट रख सकते हैं, छोटे छोटे खिलौने या फिर वॉशी टेप भी रख सकते हैं। तो ये इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सुंदर दिखेगा। उसके लिए आपको चाहिए ऐसा मोटा सा गत्ता, मतलब एक मोटा सा कार्डबोर्ड, ऐसे 12 पतले पेपर है मेरे पास रंगीले, ये स्टेपलर, कैची और गर्म गन्ने की पिस्तौल। तो मैं पहले अपने इन पेपर से 12 बक्से बनाऊंगी। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसे बनाने हैं, फिर आपको कैसे इसको बनाना है। तो मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया है, मैं इनसे इन पेपर से 12 बक्से बनाऊंगी और फिर ऐसा मोड़ने के बाद मैं इसका मुझे एक पेपर का चौकोन मिल जाएगा इस तरह से। अब इसे भी दूसरे तरफ से भी मोड़िए और अच्छी तरीके से मोड़ना है आपको, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए पेपर। और फिर ये नोक आप ऐसे बीच में ले जाकर मोड़िए, इसको खोलिए फिर से और वैसे ही आपको चारों ओर आपका ये जो पेपर है वो मोड़ना है और फिर से खोलना है। अब आपको फिर से इस नोक से आधा ही मोड़ना है अगले नोक तक, सिर्फ ये नोक मोड़ना है आपको और वैसे ही आप करेंगे फिर से चारों तरफ से और इसको खोल देंगे। आपको मोड़कर नहीं रखना है, आपको मोड़ना है, खाली ठीक से दबाना है और फिर से खोलना है। तो ये हो गया। अब आपको ये अगले जो आपकी विपरीत दिशा में जो चौकोन है उधर तक ले जाना है, जी हाँ। और ये नोक ऐसे मोड़ा आपने, दबाया और फिर से खोला। ऐसे आप फिर से चारों बाजुओं से करेंगे और आप जब इसे खोलेंगे तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे चौक। अब आपको इस पेपर को थोड़ा सा काटना है, तो मैं कैसे काट रही हूँ आप देखिए। इस कोन से दो चौकोन तक आपको ये दोनों बाजू से काटना है, ऐसे दो चौकोन तक, और उसके विपरीत दिशा में आप फिर से दो चौकोन तक काटेंगे पेपर को। तो अब इसे फिर से मोड़ना है, इसे ऐसे मोड़ा, एक बार और मोड़ लिया जब तक काटा है तब तक, और ये ऐसे मोड़ा है, जी हाँ। उसके उल्टी दिशा में वही करेंगे, मोड़िए फिर से और एक बार और जहाँ तक काटा है वो अंदर ले लीजिए, वो साइड पेपर की आपको अंदर लेकर मोड़ देनी है। अभी ये बक्सा तैयार ही हो जाएगा। ऐसे पकड़कर आपको जो दूसरी बाजू है आपको अंदर ले जानी है और उसको ठीक से मोड़ना है, जी हाँ, ऐसे। और दूसरी बाजू भी मैंने ऐसे ठीक से मोड़ दी। अब इसको जहाँ जहाँ पे खुल रहा है थोड़ा सा आप पकड़ के थोड़ा सा दबा के मोड़ लीजिए। तो बहुत देर बाद मेरे ये 12 चौकोन हो गए हैं, 12 बक्से हो गए हैं और मेरे ये दो डिज़ाइन के बक्से हैं मेरे पास। बट आप देख रहे हैं कि रंग एक सा है तो ये दिखने में भी अच्छा दिखेगा।
और आप देख रहे हैं कि ये मैंने ऐसे तैयार किया है जहाँ पे सफ़ेद आपको थोड़ा दिख रहा है, आप उसको ऐसे भी मोड़ सकते हैं ताकि बिल्कुल अंदर से आपको सफ़ेद ना दिखे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ये ऐसे मोड़ने से, अगर ऐसे मोड़ा आपने तो अंदर का अंदर की नीचे की बाजू जो है वो बिल्कुल सफ़ेद नहीं रहेगी। बट अभी मैंने ये सफ़ेद त्रिकोण रखे हैं तो ये जब मैं जोड़ दूँगी तब ये त्रिकोण के साथ त्रिकोण अच्छे दिखेंगे। जी हाँ, तो अब मैं इसको ऐसे चार बक्से नीचे, फिर से चार और ऊपर भी चार बक्से ले लेती हूँ और इन बक्सों को अब मैं ऐसे रख दूंगी ठीक से कि जैसे मेरे त्रिकोण के त्रिकोण ठीक से दिखे और एक साथ दिखे। जी हाँ, तो ये हो गया मेरा एक और त्रिकोण और इस पूरे चीज़ ने के लिए अब हम स्टेपलर का इस्तेमाल करेंगे। स्टेपलर से हम इसे स्टेपल कर देंगे। तो ये स्टेपलर और ऐसे लेकर आपको सारे बक्सों को एक साथ जोड़ना है। यही आप सारे बक्सों के साथ करेंगे। मेरा पूरा बक्सा अब तैयार हो गया है तो आप इसमें अगर चाहे तो पूरा भर सकते हैं, इसमें चीज़ें रख सकते हैं। मगर अगर आपको इसे खड़ा करना है तो इस कार्डबोर्ड को इसके ऊपर चिपकाना होगा गर्म गेंद की पिस्तौल से। ये है हमारा गर्म गोंद। और इस पर चिपकाने के बाद अच्छी तरीके इसको ठीक से हल्के से दबा दीजिए। तो ये हो गया है तैयार खड़े होने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े पेपर ऐसे बाहर आ रहे हैं तो इसको भी आप स्टेपलर के साथ अच्छी तरीके से स्टेपल करके तैयार कर सकते हैं, एक जैसा बना सकते हैं ताकि वो बाहर ना निकले। तो ये हो गया सुंदर बक्सा तैयार मेरा। अगर आपको इसको खड़ा करना है तो आपके उसके पीछे कार्डबोर्ड लगाना होगा ताकि ये ठीक से खड़ा हो सके, नहीं तो आप इसको कार्डबोर्ड लगाए सेवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने नेल पेंट इसमें रख दिया है, आप बहुत सारे नेल पेंट्स इसमें रख सकते हैं या फिर आप जैसे ऐसे छोटे खिलौने भी इसमें रख सकते हैं ताकि आप देख सकें कि आपके पास कौन से गू ये है। वॉशी टेप भी रख सकते हैं आप, इसमें देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या नेल पेंट्स है, क्या क्या कलर्स है, तो एक साथ इसमें से आपको चीज़ें दिख जाएगी। एक बक्से में दो भी आराम से बैठ जाएंगे। तो ये है मेरा सुंदर बक्सा तैयार और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे रंगों में बना सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे बना सकते हैं, बड़ा छोटा आपको जैसे अच्छा लगे वैसे। आपको अगर इसको नीचे रखना है ऐसे तो आपको नीचे कार्डबोर्ड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप जैसे ये सुंदर वॉशी टेप है वैसे भी आप इसको रख सकते हैं या फिर जैसे मैंने आपको दिखाया कि नेल पेंट आप खड़ा कर सकते हैं अगर आप इसको नीचे रख रहे हैं तब। पर अगर आपको इसको खड़ा करना है और ये अगर खड़ा ठीक से सिर्फ पतले पेपर से नहीं होगा तो कार्डबोर्ड आपको नीचे लगाना होगा। तो ये है मेरा छोटा सा बक्सा नेल पेंट रखने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप बनाएं, मुझे कमेंट्स में लिखिए आपको कैसा लगा और हम ऐसे ही नए वीडियोस के साथ आते रहेंगे। फिर मिलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।